गाजियाबाद के वसुंधरा 4 के इसी पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के लॉकर चेक किए हैं, साथ में मनीष सिसोदिया की पत्नी भी थी। लगभग 2 घंटे ये जांच चली है लॉकर की, और उसके बाद जब मनीष सिसोदिया सामने आए तो उन्होंने कहा कि उनके लॉकर से कुछ नहीं मिला है। आपको बता दें कि इसी बैंक में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और सीबीआई की टीम मौजूद थी, और यहाँ पे चूंकि मनीष सिसोदिया का लॉकर है इसीलिए सीबीआई की टीम यहाँ लॉकर चेक करने आई थी। मनीष सिसोदिया जब बाद में मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि ना तो उनके घर से सीबीआई को कुछ मिला और ना ही बैंक के लॉकर से कुछ मिला है। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके घर की भी जाँच कराई और उनके लॉकर की भी जाँच कराई। मनीष सिसोदिया ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि उनके जो जाँच हो रही है उसमें वो पूरी तरह से साफ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकला। आपको बता दें कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर लगातार मनीष सिसोदिया कि सीबीआई जांच हो रही है। जन्माष्टमी के दिन सीबीआई ने लगभग 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की थी, पूछताछ की थी। उसके बाद आज सीबीआई की टीम यहां वसुंधरा सेक्टर 4 जो कि गाजियाबाद में है वहां बैंक पहुंची, वहां मनीष सिसोदिया के लॉकर चेक किए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया कि उनके लॉकर से कुछ नहीं निकला है। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत के बाद लोग सकते में हैं। लोगों का ये भी मानना है कि उसकी हत्या की गई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि 23 अगस्त को गोवा में जाने के बाद कब कब क्या क्या हुआ। सोनाली फोगाट मर्डर केस में लगातार पुलिस की जांच तेज होती नजर आ रही है, और अब इसी सिलसिले में गोवा पुलिस की हरियाणा में एंट्री के बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा। सोनाली फोगाट मौत मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें मुख्य किरदार सोनाली फोगाट का है, और शुरुआत से लेकर अब तक विलेन के किरदार में सोनाली के पीए सुधीर सागवान नजर आ रहे हैं। सोनाली फोगाट, उनका पीए सुधीर पाल सागवान और एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह तीनों नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचे हैं। गोवा में ये तीनों दोपहर 1 बजे पहुंचते हैं। इसके बाद तीनों अंजुना के नजदीक वेगेटोर में दी ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 4 बजे इन्होंने ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में चेक इन किया था। रात 10 बजे सुखविंदर सबसे पहले कर्लीज पब गया, वहां जाकर सबसे पहले उसने टेबल बुक किया था। उसके पीछे टैक्सी में सोनाली और सुधीर भी कर्लीज पहुंच गए। रात 11 बजे तक तीनों लोग कर्लीज पब पहुंच गए। रात 12 बजे सुधीर ने सोनाली को ड्रग्स मिले हुए ड्रिंक को पिलाना शुरू किया। इस दौरान सोनाली, सुधीर और सुखविंदर डांस फ्लोर पर नाचते भी दिखे। डांस फ्लोर पर नाचते समय सुधीर ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने सोनाली को एमडी ड्रग्स मिला हुआ ड्रिंक पिलाया था। रात 2 बजे सोनाली डांस करते हुए गिर गई और टेबल पर बैठ गई। रात 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी थी और सोनाली ने सुधीर से कहा कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। रात 4:30 बजे सोनाली ने फिर सुधीर को लेडीज टॉयलेट ले जाने को कहा था। इस दौरान सोनाली बिल्कुल खड़े होने की स्थिति में नहीं थी, और फिर अचानक 23 अगस्त की सुबह 9:22 पर फोन आया कि एक सोनाली फोगाट के मृत शरीर को हॉस्पिटल लाया गया है। इसके बाद सोनाली का पंचनामा कर गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट गोवा की चमक धमक के बीच नशे की शिकार बनी और गोवा में आखिरी सांस ली। सूत्रों के मुताबिक 12,000 के ड्रग से सोनाली फोगाट को मारा गया। ड्रग्स की ओवरडोज भी सोनाली की मौत की वजह हो सकती है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। अब देखना यह है कि आगे की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है या नहीं। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच होती है या नहीं। बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और आगामी पंचायत चुनावों में बीजेपी का डंका बजाने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुग्राम के गुरुकमल में 5 जिलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली।
हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने 5 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की गई है। हमारा संगठन अब त्रिदेव तक है, उसको पन्ना प्रमुख तक पहुंचाएंगे, उसकी तैयारी की बात करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार के जो लाभार्थी हैं, जैसे मान लो किसान सम्मान निधि मिल रही है, उस बूथ पर 50 लोगों को मिलनी चाहिए, 55 को, तो उस काम में जुटेंगे। आयुष्मान का कार्ड यहाँ डबल हो गया है, भारत सरकार का 11 लाख को था, इतने ही लोगों को राज्य सरकार देने वाली है, तो उसको उसके लिए भी जो है कैसे उनको मिले उसकी बात करेंगे। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि बीजेपी सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसको लेकर चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती के साथ साथ एक बेहतर पंचायती उम्मीदवार लोगों के विकास के लिए काम करे, इस पर भी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। पंचायत चुनाव सिंबल पर जाने का निर्णय पंचायत चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमारी एक संवैधानिक बॉडी होती है, इलेक्शन कमेटी, चुनाव समिति, वो चुनाव समिति विचार करती है, उसी में हम निर्णय करते हैं, तो उसमें जो निर्णय होगा वो आपसे साझा कर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उनके स्वागत की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं बीजेपी और जेजेपी नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। देखिए, वो बैठक तो एक अध्यक्ष जी के टूर में जहाँ भी वो जाते हैं एक एनडीए के सब साथियों के साथ होती है, उसी प्रकार की एक बैठक है, जो ये निर्णय जो है वो हमारी चुनाव समिति में होते हैं, तो ये विषय चुनाव समिति का है, तो उस नाते से ये ठीक है कि वो हमारी एक बैठक होगी और उस बैठक में दोनों के साथ साथ चलने के बहुत सारे विषय भी निश्चित रूप से चर्चा में आएंगे, लेकिन इसका फॉर्मल लेने का अधिकार बैठक का जो है वो इलेक्शन कमेटी का होता है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि लोकसभा चुनाव में जीत का आंकड़ा 2019 से बेहतर हो सके। गुरुग्राम से सूर्या समाचार के लिए नीरज अंबावता की रिपोर्ट। ओम प्रकाश धनखड़ ने जहां इस मीटिंग के जरिए पंचायत चुनावों को जीतने के मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए, तो वहीं 2024 के महामुकाबले में भी अभी से जुटने के लिए कार्यकर्ताओं को इशारा दिया। पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच जननायक जनता पार्टी ने खेला बड़ा दाव। जननायक जनता पार्टी ने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया, साथ ही हर बूथ पर हर सखी को भी नियुक्त किया जाएगा। जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने सिरसा में जेजेपी पार्टी की महिला विंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधायक नैना चौटाला समेत महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रही। अजय चौटाला ने कहा कि अब की बार पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% भागीदारी रहने वाली है। निकट भविष्य में ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें 50% महिलाओं की भागीदारी हो, उसके लिए अच्छी महिलाओं का चयन करने के लिए और पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए हर बूथ पे हमने एक बूथ योद्धा का टारगेट रखा हुआ था, उसके साथ साथ महिला भी 50% की हिस्सेदार है, इसलिए हर बूथ पे बूथ सखी भी तैयार करें। अजय चौटाला ने पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर बोलते हुए कहा कि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही हमारी सहयोगी पार्टी से विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। ये निर्णय नहीं किया है कि हम चुनाव सिंबल पे लड़े या बिना सिंबल के लड़े, इसके लिए लगातार जिलेवार मीटिंग ले रहे हैं, ये तय करने के बाद हमारी सहयोगी पार्टी चुनाव सिंबल पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी उन्होंने भी अब तक डिसाइड नहीं किया है, वो बैठ करके तय करेंगे, फिर चुनाव जब घोषित होगा तब बताएंगे। विधायक नैना चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
कि गठबंधन सरकार लगातार विकास के काम कर रही है और आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव विपक्षी पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। विपक्ष तो जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो विपक्ष कभी नहीं कहलाएगा। उनका काम एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है कि सरकार को किसी तरह नीचा दिखाने का काम हम करें। सरकार बहुत गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगामी जो इलेक्शंस होंगे उसका रिजल्ट आने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बहरहाल जेजेपी पार्टी लगातार प्रदेश के जिलों में संगठन विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए हुए हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा आने वाले चुनावों में ये संगठन कितना मजबूत साबित होता है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अजय चौटाला ने साफ किया कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने हैं या नहीं, इसका फैसला सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ बैठक में तय किया जाएगा। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए अजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पंचायत चुनावों के नतीजे ये तय कर देंगे कि कौन कितने पानी में है। 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली करने जा रही है। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा और कहा कि बिश्नोई कभी भी आदमपुर हलके की आवाज नहीं उठा पाए और आदमपुर की जनता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी में नीति आयोग के अनुसार और सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग के अनुसार और CMI के अनुसार भी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नशे के में से संबंधित जो मौत और सुसाइड है उसमें हरियाणा देश में सबसे आगे। तो ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य को इस सरकार ने किस बेरोजगारी और नशे और अपराध में के गर्त में धकेलने का काम किया, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार मौन धारण किए हुए है। आदमपुर के लोगों के विकास के लिए कोई बात होती तो आदमपुर के लोगों से पूछते, वहाँ पे उन बातों को लेकर वो पार्टी बदलते, उन तो राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए। अब वो वोट बीजेपी पूरे देश में या तो प्रलोभन से वोट ले रही है या ED, IT और बड़ी जांच एजेंसियों के डर दिखाकर, तो वो तो ये बताएं कि ये प्रलोभन से गए कि डर से गए या क्या और कोई कारण व्यक्तिगत उनका रहा हो, लेकिन आदमपुर के लोगों से उनका वास्ता नहीं था। तो ना तो लोग उनकी कार्यशैली से खुश है ना उनके इस फैसले से खुश है, पर आदमपुर के लोग बदलाव चाहते हैं, प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। बहरहाल कांग्रेस की रैलियों में अक्सर भीड़ जुटाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से पार्टी हाईकमान की मुश्किलें आसान बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने में जुटे हुए हैं। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ईंटों से भरा ट्रक एक कार पर जा गिरा जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो कांप गया और सहम गया। इस खौफनाक मंजर को आप भी देखेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़क पर ईंटों का ढेर लगा है, ईंटों पर पलटा है ट्रक और नीचे दबी है ये कार, और इस हादसे ने ले ली है एक जान। तेज रफ्तार का कहर कितना होगा आप इसे देखकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल सोनीपत के गांव खेवड़ा के पास झज्जर मेरठ हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ईंटों से भरा ट्रक ओला टैक्सी पर पलट गया जिसके बाद ओला टैक्सी ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ईंटों के ट्रक के नीचे दबी गाड़ी के अंदर से शव को निकालना काफी मुश्किल भरा हो रहा था जिसके बाद क्रेन की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मृतक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला था और अकेले ही 10 परिवारों का पालन पोषण कर रहा था। घर चलाने के लिए उसने एक टैक्सी फाइनेंस पर ली थी जिसे ओला कंपनी में चलाता था।
मृतक रमेश चंद परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला अकेला था और इस टैक्सी के सहारे ही अपने घर का गुजारा चला रहा था। वो 10 बच्चों को चलाने वाला है और इतनी कंडीशन खराब है उसकी बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे चाय के पैसे होते, एक टाइम पे नहीं होते, वही अपना हिसाब किताब चला रहा था। और जो बच्चा कुछ है जो हमारे से भी सहारा लेता था और हम भी करते थे उसका सहारा। माँ है, बुजुर्ग माँ है और क्या नाम है, वो भी ऐसे ही है। झज्जर मेरठ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है और ईंटों से भरा हुआ ट्रक गाड़ी पर पलट गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कल शाम की सूचना मिली शाम के एक्सीडेंट हो गया है, पीछे वाले ट्रक ने लापरवाही से चलाई गई, कार दाब दी, जिसे मौके पर पहुंचे लेकिन गोपी जी ने हमारे कार को निकलवाया गया और आई गिरोह की मदद से वहाँ पहुँचाई गई। डेड बॉडी जो परिजन आए हैं वो मदद होती गई, कार्रवाई नहीं मैं सर अमल बनाई जा रही। अब तक ये आई है कि गाड़ी चालक की लापरवाही तंग रास्ता था, ज़्यादा लापरवाही कारण बोला गया था, लेकिन इस कारण हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर और सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हादसों में लोगों की जान जा रही है लेकिन इस ओर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। मृतक की पहचान करोलबाग के रहने वाले रमेश चंद्र के रूप में हुई है। वह घर में अकेला कमाने वाला था और उसने ओला में अपनी कार किराए पर लगा रखी थी। हालांकि इस हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए सोनीपत पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस को इस तरह के मामलों को रोकने के लिए और सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है जिससे कि इस तरह के आरोपी युवाओं की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। प्रदेश में नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक सेल की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत टीम के हत्थे एक ऐसा नशा तस्कर चढ़ा है जो यूपी से बुलेट पर स्मैक अपने गांव लेकर आता है। वो गांव के युवाओं को नशे का आदि बना रहा था। पुलिस ने इस युवक को घात लगाकर अरेस्ट किया। सेल इंचार्ज भूप सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी युवक बुलेट पर हरियाणा में कलानौर बॉर्डर से होता हुआ आएगा, जिसके बाद बॉर्डर पर नाकाबंदी कर इस युवक को पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ के दौरान युवक की पहचान दौलतपुर निवासी खलील उर्फ खिलू के नाम से हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसा है तब हमारे को मुखबिर मिली थी भी एक व्यक्ति खलील नाम का व्यक्ति है जो यूपी से स्मैक लेकर हरियाणा में आता है और अपने गांव में युवाओं को स्मैक बेचता है। उसी के आधार पर मुखबिरी के आधार पर हमने नाकाबंदी की जो कलानौर बाईपास पर इसको बुलेट मोटरसाइकिल पर स्मैक सहित काबू किया है। बताया गया है कि आरोपी पर पहले से भी नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी नशीले पदार्थ कहां से लेकर आया था उसके लिए उससे पूछताछ होगी। आपको बता दें नारकोटिक्स टीम ने अकेले अगस्त महीने में नशा तस्करी के 15 मामले दर्ज किए हैं। वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। यमुनानगर से सूर्या समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पुलिस को इस तरह के आरोपियों को पकड़ने के लिए और सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। सोनीपत के ऋषिकुल विद्यापीठ स्कूल की 4th मंजिल से छलांग लगाकर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा मानसिक रूप से बीमार थी और बताया जा रहा है कि छात्रा के माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए रोका था। सोनीपत के ऋषिकुल विद्यापीठ स्कूल में उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा ने 4th मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 12वीं कक्षा की ये छात्रा मानसिक तौर पर बीमार बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि बीते दिन उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए टोका था। मंगलवार सुबह उसने स्कूल की 4th मंजिल से कूदकर अपनी जान ही दे दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत एक्शन लिया है। ये 12वीं कक्षा में पढ़ती थी अपना ये ऋषिकुल स्कूल में, वहाँ को मतलब आपसी डिप्रेशन के कारण ये 4th मंजिल से कूद कर अपनी यात्री घर वालों ने यही दिया भाई हमने मतलब यह पढ़ाई के बारे में थोड़ा मतलब इसको ये कहा था भाई पढ़ाई पढ़ाई पर बाकी और कोई।
मामले में परिवार मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि बेटी की आत्महत्या ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। परिवार को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। सवाल स्कूल प्रशासन पर भी है, कैसे एक छात्र क्लासेस चलने के दौरान छत पर चली जाती है और उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं होता। बीते कुछ सालों में ऐसे मामले अक्सर देखने को मिल रहे हैं, जहां परिवार की डांट से नाराज होकर बच्चे इस तरह का कदम उठा रही हैं। बच्चे ये भी नहीं सोचते कि उनके इस कदम से उनके माता पिता पर क्या गुजरेगी। बहरहाल सोनीपत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। छात्रा ने यह कदम उठाने से पहले क्या किसी से बात की, ये जांच का विषय है। सोनीपत से सूर्या समाचार के लिए सनी मलिक की रिपोर्ट। छात्रा ने ये कदम उठाने से पहले क्या किसी से बातचीत की, यह फिलहाल जांच का विषय है। चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में एक लड़की की आंखों में केमिकल गिरने से उसकी आंखें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने चंडीगढ़ एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि उनके घर के ऊपर की मंजिल पर कुछ लड़के रहने के लिए आए थे, लेकिन घर का सामान चढ़ाते समय लड़कों ने घर की बालकनी के जरिए केमिकल से भरी एक बोतल नीचे फेंकने से बोतल फूट गई, और जिससे घर के नीचे खड़ी उनकी बेटी की आंख में केमिकल गिरने से आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई। वहीं इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते अब उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत चंडीगढ़ एसपी कुलदीप चहल को की है, और एसपी ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुड़ी अगे तड़ती अंदर चली गई, मैंने पता भी नहीं कि कुड़ी अंदर तड़ती जा रही है क्या है। मैं अपना ऊपर देख रहा हाँ मेरे पर तेजाब गिरते तो दिख नहीं रहा कि ऊपर भी हाँ किस तरह क्या। उस तो बाद मैं कुड़ी उन्होंने कोई मतलब हंस रहे कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए भी, चल कोई नहीं, चलो हादसा हो गया, चलो कोई नहीं, अगर हंस रहे हैं अपना थले आ गए। किसी मुलाजम किसी ने उन्होंने बंदे ने किसी ने फोन कराया, उन्हें कहता उन्हें चाड़ू चूड़ू मार दो, बोतल बोतल चक दो, ठीक है कोई सबूत ना रहे। तुसी कंट्रोल रूम से कॉल की? कंट्रोल रूम से मैडम ने करी। थोड़ी वाइफ ने? हाँ जी। उस तो बाद मैं अपना PCR आई नहीं चाहता कहता अपनी अपनी मेरी अपनी गड्डी है, मैं अपनी अपनी गड्डी से मनी माजर ले गया हॉस्पिटल। उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट से डॉक्टर ने लिखा सफाई सफाई करी अखा दी, उन्होंने जल्दी PGI ले गया। वहीं इस पूरे मामले में SHO रोहिताश यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो खुद 3 बार पीड़ित परिवार के पास गए, लेकिन उनकी ओर से उन्हें अब तक कोई शिकायत नहीं दी गई। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई जरूर होगी। बहरहाल आए दिन समाज में हो रहे ऐसे केसों के खिलाफ प्रशासन कब सख्त रवैया अपनाने का काम करता है, इसका इंतजार सबको रहता है। बहरहाल समाज में आए दिन हो रहे ऐसे मामलों पर प्रशासन कब सख्त रवैया अपनाता है, इसका इंतजार तो हम सबको रहेगा। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला पेट्रोल पंप का है, जहां पर गुंडों ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर लाठी डंडों से बरसात की। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। सोनीपत में पेट्रोल पंपों पर हो रही वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुलाड़ी गैंग से डरे पेट्रोल पंप कर्मियों की सुरक्षा अब भी राम भरोसे है। ताज़ा तस्वीरें इलाके के तुशीर ऑयल कंपनी की हैं, जहां पेट्रोल डलवाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। गुंडों ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला बोला। CCTV तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बदमाश कितने बेखौफ हैं। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ही नहीं पीटा, बल्कि पेट्रोल पंप की कुछ मशीनों को भी तोड़ डाला। पंप मालिक जगदीश ने बताया कि वो पुलिस को लगातार फोन करते रहे, लेकिन पुलिस देरी से पहुंची। अब मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लगभग 11:15 बजे उन्होंने हमारे वर्करों को काफी चोट पहुँचाई। पुलिस
भी काफ़ी देर तक जो है हम कॉल करते रहे। काफ़ी देर बाद जो है पुलिस पंप पर, एक घंटे बाद जो है पुलिस पंप पर पहुंची, हमारे ऑफिस में घुसकर जो है उन्होंने जो है हमारी स्वैप मशीन और दूसरे आइटम भी तोड़ डाले और हमारे करिंदों के साथ जो है काफ़ी मारपीट की है। हमने जो है इस वारदात के खिलाफ सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अतः हमारी प्रशासन से पुरजोर मांग है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वही पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से गुंडों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। एक युवक की पहचान भी हो गई है। तुसीर ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल का पंप है जिस पर तेल डलवाने के लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप वालों को कुछ उनकी मशीन में तोड़फोड़ कर दी और चोटे मारी, जो उचित धाराओं में FIR लॉन्च कर दी गई। सीसीटीवी की तस्वीरें पेट्रोल पंप कर्मियों को ही नहीं बल्कि हर किसी को डराने वाली हैं। बेखौफ बदमाश खुलेआम लाठी डंडों के इस्तेमाल से बाज नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लगातार हो रही ऐसी वारदातें पुलिस के काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहले कुल्हाड़ी गैंग और अब इस तरीके की घटना। सोनीपत में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि पुलिस कब सख्त कदम उठाती है या फिर ये बदमाश यूं ही बेखौफ घूमते रहते हैं। पानीपत के गांव जुरासी खास में कल देर शाम चिनाई के मकान पर काम करने के दौरान राजमिस्त्री और मजदूर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होगी, जिसके चलते राजमिस्त्री ने तैश में आकर मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। पानीपत के समालखा थाना के गांव जोरासी खास में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मिस्त्री की मजदूर से कहासुनी हो गई, जिसके चलते मिस्त्री ने मजदूर की गर्दन पर कई वार कर दिए और मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। वहीं जोरासी खास निवासी राजेश ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो एक निजी कंपनी में काम करता है और दोपहर करीब 2 बजे वो अपने पिता के साथ मकान की गैलरी में कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन काम करते वक्त एकदम से मिस्त्री ने मजदूर पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। समालखा थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है गांव में। लोगों का बजाने के बाद पता चला कि राजेश के भाई के मकान में मिस्त्री और मजदूर का आपस में झगड़ा हो गया, जो मिस्त्री ने कस्सी के साथ उसकी गर्दन और सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी है। FIR लॉन्च करके 35 जारी। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। पानीपत से सूर्या समाचार के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। मामले की